इंडिया जाना पड़ा, 2018 में हम वापस चले गए थे। अभी हम जा रहे हैं फार्मर्स मार्केट। वेलकम बैक टू माई चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, मेरा नाम नर्मदा है और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस चैनल में 3 साल के बाद। तो 3 साल पहले ये चैनल हमने ओपन किया था, 3 साढ़े 3 साल पहले लगभग, 2016 में। तो देख सकते हैं आप, पहले मेरे बहुत सारे कुकिंग वीडियोज ही होंगे, तो इसमें सिर्फ मैं कुकिंग वीडियोज ही डाला करती थी और तब मुझे इतना ब्लॉगिंग वगैरह समझ में नहीं आता था, मतलब कैसे किया जाए क्या है। तो फिर ये चैनल के बारे में सोचना छोड़ दिया। इंडिया जाने के बाद फिर करने वाले थे, तो हुआ यूं कि हमको इंडिया जाना पड़ा। 2018 में हम वापस चले गए थे, 14 में आए थे। सो बहुत सारे रीजंस है उसके पीछे, आप मुझसे जुड़े रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। उसमें से सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मैं कंसीव हो रही थी बट मिसकैरेजेस हो रहे थे, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। तो हमने सोचा कि वहाँ पे यू नो फैमिली का सपोर्ट होगा, यहाँ पे सिर्फ हम दोनों थे, तो इसके वजह से हम वापस इंडिया चले गए 2018 में। और फिर मतलब वापस आने का कोई प्लान नहीं था, तो मतलब जाने के बाद तुरंत 2 महीने में मैं कंसीव हो गई और फिर उसके बाद मेरी प्यारी सी बिटिया हो गई जो कि अभी 2 साल की है। तो वो जब 6 महीने की हो गई, सो 2019 में नवंबर में फिर हमने प्लान किया कि चलते हैं। मेन रीज़न तो यही था इंडिया जाने का, तो जो फुलफ़िल हो गया। तो हम वापस आ गए US और आने के 2-3-4 महीने बाद लगभग ये कोरोना लॉकडाउन ये सब शुरू हो गया। अभी मैंने सोचा कि चलो फिर व्लॉग्स बनाते हैं इस चैनल पे। तो आप इस चैनल पे आप व्लॉग्स देख सकते हैं और बहुत एक्साइटिंग कंटेंट आने वाला है। हम बहुत ट्रैवलिंग करते हैं, तो US में ट्रैवलिंग कैसे होता है, कहाँ कौन सी अच्छी चीज़ें हैं, ये सब कवर करेंगे। और फिर हम जो भी करेंगे डे टू डे लाइफ में वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर पेरेंटिंग से रिलेटेड वीडियोज़ और बहुत कुछ आप देखने वाले हैं। बहुत फन एक्साइटिंग होने वाला है ये हमारे साथ जर्नी, तो आप बिल्कुल बने रहिए इस चैनल में हमारे साथ। तो US का लाइफस्टाइल, कैलिफोर्निया में क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ का लाइफस्टाइल, हमारा घर, अपार्टमेंट, बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई चीज़ें देखने सुनने को मिलेंगी। तो बिल्कुल ये चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो अभी हम जा रहे हैं फार्मर्स मार्केट, हर थर्सडे को होता है यहाँ पे। तो बहुत अच्छी फ्रेश ऑर्गेनिक सब्जियाँ मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, बहुत अच्छे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वहीं जाके बात करते हैं। तो वीडियो में बने रही। हम लोग निकल गए हैं फार्मर्स मार्केट के लिए और मैं ऑफिशियली अभी मेरे हस्बैंड को और लासिया को इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये है मेरे हस्बैंड, हाय बोलिए जी। हाय। तो आपको कुछ इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स में वगैरह मेरे हस्बैंड भी आप मतलब हेल्प करेंगे मेरी। और ये रही मेरी बिटिया रानी लासिया, लासिया से हाय। तो ये 2 साल की है और अब हम निकल चुके हैं फार्मर्स मार्केट के लिए। यहाँ पे समर्स है और ये फार्मर्स मार्केट जो है मार्च से अक्टूबर तक ही होता है, उसके बाद फिर बहुत ठंडियाँ पड़ती है तो तब बंद हो जाता है। तो सारी सब्जियाँ मिल जाती है, फ्रूट्स मिलते हैं अच्छे अच्छे, फिर हनी हो गया, हमस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और आपको लग रहा होगा मैंने जैकेट क्यों पहना है, इतनी धूप है। तो वहाँ पे ना बहुत ठंडी हवा चलती है, हमारे यहाँ इतना नहीं रहता है बट वहाँ बहुत ठंडा रहता है क्योंकि वो एक खुला बहुत बड़ा पार्क है, तो इसलिए फिर हमने जैकेट्स पहन लिया है, बहुत ठंड हो जाती है। और अभी टाइम हो रहा है 6 बज गए हैं, तो 4 से 8 बजे तक होता है ये फार्मर्स मार्केट और हर थर्सडे को होता है। बहुत बढ़िया होता है, बच्चे इंजॉय करते हैं, बड़े इंजॉय करते हैं और कॉन्सर्ट्स होते हैं। आज है कि नहीं पता नहीं, जो जो है मैं आपको सब दिखाऊंगी, तो बने रहिए वीडियो में। तो देखिए इतना रश होता है ना, अब पिछले साल इतना नहीं था
पैंडमिक होने के बाद भी पिछले बार ना ओपन किए थे तो इतना नहीं था, बट अभी तो जब से वैक्सीनेशन लग गई है तो सारे लोग आने लगे और पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हमारे आगे तो बहुत कार्य है, देखते हैं पार्किंग मिलता है कि नहीं। तो आज यहाँ कॉन्सर्ट हो रहा है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा भीड़ है, तो हमें पार्किंग नहीं मिल रही है। देखते हैं अब कब मिलती है पार्किंग, अगर नहीं मिली तो हम उतर जाएंगे और मेरे हस्बैंड जो है ये कहीं ना कहीं पार्क करके आएंगे। तो हमें पार्किंग नहीं मिली है, आप बैकग्राउंड में सुन रहे होंगे कॉन्सर्ट हो रही है, तो मेरे हस्बैंड और बेटी गए हैं पार्किंग ढूंढ के आएंगे और मैं यहाँ पे थोड़ा सा घूमती हूँ आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बड़ा पार्क है, यहाँ पे वॉकिंग करते हैं, काइट्स उड़ाते हैं, पिकनिक करते हैं, और उधर स्विमिंग पूल है और वाटर पार्क है छोटा सा, और इधर में है अपना फार्मर्स मार्केट। थोड़ा सा चल के जाएंगे तो उस तरफ है वो टेंट्स के उस पार, बहुत ही बढ़िया बड़ा सा पार्क है। तो हमारी सब्जी मंडी शुरू हो गई यहाँ से, ये पहला शॉप है और यहाँ पे सारे देसी वेजिटेबल्स मिलते हैं आपको, तुरई से लेके करेला से लेके मिर्ची से लेके अदरक से लेके सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती है। और मैं थोड़े से मूंगफली ली हूँ, इनको बॉईल करके खाने में बड़ा स्वाद लगता है ना, तो ये ली हूँ। और यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज बहुत अच्छी मिलती हैं, तो सब्जियाँ घर में सारी पड़ी थी तो मैंने थोड़े फ्रूट्स उठा लिए। तो यहाँ पे सारे आपने देखा होगा ना, अंडों का शॉप और फ्रेश चीज़ भी, बहुत वैरायटी ऑफ चीज़ और फ्रूट्स ये सब के शॉप होते हैं, और फ्रेश हनी का भी शॉप है। तो यूजुअली ये जो सब्जी मंडी है ना, यहाँ पे देसी लोग बहुत मिलेंगे अपने वाले लोग, तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम इंडिया वाली फील आती है। और देखिए कितने वैरायटी ऑफ फ्रूट्स हैं यहाँ पे, तो हर वैरायटी ऑफ फ्रूट्स मिल जाएगा, लेकिन मुझे बनाना कभी दिखा नहीं, तो शायद नहीं बेचते होंगे केले। और अलग अलग तरह के खाने पीने की चीज़ें, और हमस पीटा और फ्रेश बेकरी वाले ब्रेड्स मिलते हैं, बहुत ही अमेजिंग होते हैं वो भी। तो यही सब है, और ये सब खाने पीने की चीज़ें उनका स्टॉल है, जैसे डोनट्स हो गया, और ये मिडल ईस्टर्न का शॉप है, फलाफल पीटा ब्रेड और बाकी सारी चीज़ें यहाँ मिलती है। और दूसरी तरफ कॉन्सर्ट हो रहा है। तो आपने देखा ये पीछे ना, ये बैंड के वजह से मैं वॉइस ओवर देना पड़ा, आई एम सो सॉरी, बट क्या देखिए यहाँ पे कॉन्सर्ट फिर शुरू हो गया है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं सब लोग, आपको दिखाती हूँ। तो देखा ना आपने कॉन्सर्ट कितना एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हैं ना, ये लेके बढ़िया अपने घर से ना चेयर वेयर, पोर्टेबल चेयर्स वगैरह होती है ना, वो लेके आते हैं बढ़िया, यहाँ पे बैठ के एंजॉय करते हैं, ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं बैठ के, 8 बजे तक के वो कॉन्सर्ट एंजॉय करते हैं। तो यही सब है, फिर हम पिज्ज़ा के लाइन में लग गए और 1.5 वेजी पिज्ज़ा ले लिए। ये वुड फायर्ड पिज्ज़ा होता है, बहुत टेस्टी होता है, तो पिज़्ज़ा लेके हम चले। ये छोटा सा एक रोज़ गार्डन भी बना हुआ है, तो बहुत ही सुंदर सुंदर रोज़ेस होती हैं यहाँ पे, छोटा सा है बट अच्छा है। और अब हम पिज़्ज़ा के लिए जा रहे हैं खाने के लिए। तो हमने पिज़्ज़ा ले लिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा है, वहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा है ना, तो मैं बोल नहीं पाई, तो मुझे ये वॉइस ओवर देना पड़ा, बट अभी मैं हम लोग थोड़े शांत एरिया में आ गए और अब हमारा पिज़्ज़ा एंजॉय करते हैं, आपको भी दिखाती हूँ। बहुत टेस्टी होता है, तो हम तो डिनर करके ही जाते हैं यहाँ से, हमेशा आते हैं तो ये पिज्जा खा के जाते हैं, तो बहुत ही अमेजिंग होता है। तो बढ़िया से पिज़्ज़ा एंजॉय कर लिया हमने, कॉर्न भी लिए थे, सब अच्छे से खा पी लिए। उसके बाद सामने में ही पार्क है, तो वहाँ पे लासिया को आधा घंटा पौन घंटा खेली वो बढ़िया से। देखिए कितना सुंदर पार्क है, 7 बजे तक ना वो स्प्रिंकलर्स, वाटर स्प्रिंकलर्स ऑन करते हैं, तो बच्चे बड़ा मज़ा करते हैं वहाँ पे, बट हम गए थे तब तक बंद हो गया था, बट ये बाकी जो झूले फिसल पट्टी इसमें बहुत अच्छे से खेल ली, तो बढ़िया से आधा पौन घंटा खेली और दूसरे बच्चों के साथ खेली,
तो बच्चे बड़े सब इंजॉय करते हैं ये पार्क में, स्पेशली फार्मर्स मार्केट के दिन बहुत अच्छा होता है। सो देखा आपने फार्मर्स मार्केट, अभी 8 बज गए हैं और वाइंड अप हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा वाइंड अप हो गया है। एग्जैक्टली 8 बजे सारी दुकानें बंद कर देते हैं, बस ये वाली दुकान जो है वो खुली है अभी, बस ये भी बंद कर देंगे, बाकी सब वाइंड अप हो रहा है। तो लास्ट में मुझे फ्रेश तरबूज मिल गया, तो वो भी मैंने एक उठा लिया, तो बहुत ही टेस्टी है तरबूज, तो बहुत ही मीठा। मैं आपको पहले ही बताई थी ना, यहाँ के फ्रूट्स और बाहर मतलब शॉप्स में जो खरीदते हैं ना उसमें बहुत फ़र्क होता है, यहाँ के बहुत मीठे और फ्रेश लगते हैं, तो खरीद लिया। तो ये अदर साइड ऑफ द पार्क है, यहाँ पे भी एक छोटा सा प्ले एरिया है बच्चों के लिए, देखिए। तो हमारा खाना पीना शॉपिंग खेलना कूदना सब हो गया है, अब हम वापस घर जा रहे हैं। टाइम 8 बज गए और पार्किंग हमें बहुत दूर मिला है, मैं उधर गई थी ना, तो 15 मिनट वॉक करके जाना है, और रेजिडेंशियल एरिया में पार्क किए हैं, और अब पार्किंग में जाएंगे, कार लेंगे और घर जाएंगे। तो यही है आज का ब्लॉग, आपको बहुत मज़ा आया ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, बहुत सारे एक्साइटिंग कंटेंट आने वाला है, तो बिल्कुल मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एक अच्छे वीडियो के साथ फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक बाय बाय। सोच रहे होंगे मेरी बेटी कहाँ गई, वो यहाँ बैठी है।